हेलो ट्रेडर, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल डिस्कस ऑफ ट्रेडिंग। तो दोस्तों, आज की जो हमारी वीडियो है वो रहेगी हमारी जो बुलिश कैंडल है उसकी, ड्रैगन फ्लाई डोजी और बुलिश हरामी कैंडल होती है उससे रिलेटेड रहेगी। तो एक बार कैंडल की साइकोलॉजी देख लेते हैं, किस प्रकार से बायर और सेलर का डोमिनेशन होता है और मार्केट में ड्रैगन फ्लाई डोजी कैसे बनती है और बुलिश हरामी कैसे बनती है, ठीक है। तो एक बार उनको देखते हैं, उसके बाद पीडीएफ के थ्रू आपको उसकी पूरी डेफिनेशन और चार्ट के माध्यम से सब कुछ आपको दिखाया जाएगा, समझाया जाएगा। एक बार इनकी साइकोलॉजी देख लेते हैं, इनके पीछे की साइकोलॉजी क्या होती है। तो जो हमारी फर्स्ट देखते हैं, जो ड्रैगन फ्लाई डोजी है हमारी, ठीक है, तो ये क्या है, इसमें क्या रहेगा कि ये अपसाइड, ये जो पूरी है, ये जो हमारी इसकी विक बोलते हैं इसको, ठीक है, ये जो विक है हमारी, ये एज कंपेयर टू बॉडी बहुत ज़्यादा लंबी रहेगी, ठीक है। ये यहाँ पे थोड़ा सा बिल्कुल ये ओपनिंग और क्लोजिंग बिल्कुल पास पास रहेगी या सेम भी रह सकती है, ओपनिंग क्लोजिंग सेम भी रह सकती है, ठीक है। इसमें क्या होता है कि मार्केट कंटिन्यू सेलिंग में आता रहता है, ठीक है, कंटिन्यू सेलिंग आई होती है मार्केट में। तो कंटिन्यू सेलिंग के बाद किसी स्पोर्ट लेवल पे, जैसे ये कोई स्पोर्ट लेवल है, ठीक है, यहाँ पे ये कैंडल की फॉर्मेशन हो जाती है। तो इस कैंडल की जो साइकोलॉजी है, जो बायर और सेलर का क्या हमें पता लगता है कि ये बुलिश कैंडल है, तो इसमें क्या होता है कि मार्केट के ओपनिंग कैंडल यहाँ पे होती है, ठीक है, ओपनिंग होने के बाद कंटिन्यू सेलिंग आई होती है, तो यहाँ पे भी सेलर कंटिन्यू मार्केट को नीचे की साइड ले जाने की कोशिश करते हैं। बट ये एक ऐसा प्रीवियस जो स्पोर्ट लेवल है या कुछ भी मान लो, यहाँ पे बायर का जोन है, तो यहाँ से बायर एक्टिवेट हो जाते हैं, ठीक है। कुछ बायर यहाँ पे पहले जो जिन्होंने बाइंग की थी, दोबारा वो यहाँ पे अपना पैसा लगाते हैं, क्योंकि अगर इस जोन से नीचे जाएगी तो उनका ऐसा लिट होगा, तो इस वजह से वो दोबारा यहाँ से बाइंग स्टार्ट करते हैं और कैंडल को वापस अपने जो ओपनिंग प्राइस था उसके ऊपर क्लोजिंग प्राइस इसका, इसको क्लोज करवा देते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि ये पूरी कैंडल जो हमारी होती है इसमें बायर का डोमिनेशन रहता है, ठीक है, क्योंकि पीछे से कंटिन्यू सेलिंग आ रही थी, बायर का डोमिनेशन हमें कहीं देखने को नहीं मिल रहा था, ठीक है। तो यहाँ पे एक स्पोर्ट जोन पे आ गए, ये बायर का डोमिनेशन होता है, इस वजह से मार्केट में ट्रेंड रिवर्सल, बुलिश ट्रेंड रिवर्स होने के चांस बढ़ जाते हैं जब इस कैंडल के हाई को ब्रेक करता है, ठीक है। तो हम इस कैंडल, अगर छोटी कैंडल है ये, तो इसके लो का ऐसा लगाएंगे, अगर ज़्यादा वीक लंबी है तो इसके हाफ का ऐसा लगाएंगे, और हमारा टारगेट रहेगा 1:2 मिनिमम टारगेट रहेगा। किसी भी ट्रेड में आप एग्जीक्यूट ट्रेड लेते हो, कोई भी ट्रेड लेते हो, हर ट्रेड में आपका 1:2 अपना रिस्क रिवार्ड रेशियो होना चाहिए। अगर टारगेट यहाँ पे कोई आप अपने एसएल ट्रेल कर सकते हो, तो यहाँ पे जैसे कोई स्विंग यहाँ पे बनता है, ठीक है, तो इस स्विंग का आप ऐसा लग सकते हो, और यहाँ पे कोई अच्छा खासा जो रजिस्टेंस जोन है, आप वहाँ का भी टारगेट वहाँ तक भी लेके जा सकते हो। तो ये है ड्रैगन फ्लाई डोजी की। ग्रीन और रेड में कोई फ़र्क नहीं होता है इतना, इसमें क्या होता है, रेड में ये ओपनिंग प्राइस इसका थोड़ा हल्का सा ऊपर रहता है और क्लोजिंग प्राइस जस्ट इसके नीचे रहता है। बट इसमें भी वही होता है कि यहाँ से मार्केट सेलर यहाँ पे मार्केट को लेके आते हैं, बट यहाँ से दोबारा बायर एक्टिवेट होते हैं, बायर एक्टिवेट होने के बाद मार्केट को दोबारा वापस ऊपर ले जाने की कोशिश करते हैं, बट कोशिश अच्छी खासी करते हैं, तो लेकिन ये कैंडल अपने लो, अपने ओपन प्राइस से थोड़ा नीचे बंद होती है, इसलिए ये रेड कैंडल बनती है, ठीक है। बट इसमें बायर का ही डोमिनेशन होता है अच्छा खासा, और यहाँ से हमें मार्केट में एक अच्छा खासा रिवर्सल देखने को मिल सकता है। अगर कहीं पे भी मार्केट में, जैसे मार्केट हायर हाई लगाते हुए कंटिन्यू बाइंग साइड में जा रही है और कहीं डिप आता है, उस डिप के नीचे, उस डिप पे भी अगर ये ड्रैगन फ्लाई डोजी बनती है, तो उसमें भी हमारा ट्रेंड कंटिन्यूशन का पैटर्न हमें देखने को मिलेगा, वहाँ से भी ट्रेंड हमारा कंटिन्यूशन रहेगा। तो ये है हमारा ड्रैगन फ्लाई डोजी। अभी नेक्स्ट कैंडल है हमारी बुलिश हरामी, ठीक है, ये एक बार देख लो, उसके बाद मैं इसकी डेफिनेशन अच्छे से पीडीएफ में दिखा दूंगा। तो ये हमारा ड्रैगन फ्लाई डोजी हो गया। अभी बुलिश हरामी जो पैटर्न है उसकी एक बार सेलर की बायर की साइकोलॉजी देखते हैं, उसके पीछे क्या होता है, ठीक है। ये हमारा बुलिश हरामी पैटर्न है, ठीक है, जो कैंडल है ये भी एक बुलिश कैंडल है, इसमें ये कैंडल का हाई है, जो फर्स्ट कैंडल है ये इसका हाई हो गया और ये इसका लो हो गया, ठीक है। इसमें भी क्या होता है, जो जैसे मार्केट सेलिंग में कंटिन्यू डाउन ट्रेंड में मार्केट रहती है, ठीक है, और यहाँ पे ये जब रेड कैंडल तो पीछे भी बनती है, बट यहाँ पे कोई स्पोर्ट लेवल होता है मार्केट का, पीछे का प्रीवियस अच्छा खासा स्पोर्ट लेवल हमें देखने को मिलता है, या स्पोर्ट जोन बोल सकते हो या बायर का जोन बोल सकते हो आप, ठीक है। तो यहाँ से मार्केट में ये कैंडल जब क्लोज होती है कंटिन्यू मार्केट में, ग्रीन कैंडल तो बीच में भी बनी होंगी, बट यहाँ पे कोई स्पोर्ट लेवल है, और यहाँ पे स्पोर्ट पे मार्केट में ये कैंडल एक रेड कैंडल बनती है,
बट रेड कैंडल की जो क्लोजिंग है वो यहाँ पे रहती है, ठीक है, और इसकी ओपनिंग है ऊपर। तो एक तो ये हो गया कि कैंडल की एक फर्स्ट कंडीशन तो ये होगी कि कैंडल जो बनेगी ना नेक्स्ट कैंडल उस वो थोड़ी गैप अप ओपनिंग होनी चाहिए, ठीक है, गैप अप ओपन होनी चाहिए थोड़ी प्रीवियस कैंडल से, और उसके बाद में मार्केट में ये गैप अप ओपन तो हुई बट सेलर थोड़ा एक्टिवेट रहे क्योंकि सेलर का कंटिन्यू सेलिंग आ रही थी, तो यहाँ से भी थोड़ा सेलर एक्टिवेट हुए और यहाँ तक ही लेके आए, बट यहाँ से बायर एक्टिवेट हो गए क्योंकि ये हमारा एक बायर का जोन है यहाँ पे, ठीक है, प्रीवियस बायर का जोन है, तो यहाँ से बायर का डोमिनेशन हमें देखने को मिलेगा और मार्केट में कैंडल को दोबारा वापस ले जाया जाता है यहाँ पे। यहाँ से कुछ प्रॉफिट बुकिंग आती है हल्की फुल्की और कुछ थोड़े हल्के सेलर एक्टिवेट होते हैं जिस वजह से मार्केट में दोबारा यहाँ पे थोड़ा सा हल्का हमें रिट्रेस देखने को मिला है और ये रिजेक्शन देखने को मिलता है, बट क्लोजिंग हमारी ओपनिंग प्राइस है अच्छी खासी ऊपर होती है और इस कैंडल के हाफ है ना तो हाफ से भी ऊपर हमारी क्लोजिंग दे देती है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि हमें कंटिन्यू डाउन ट्रेंड आ रहा था तो यहाँ से बायर एक्टिवेट हुए हैं स्पोर्ट जोन से, तो हमें चांसेज हैं कि यहाँ से मार्केट दोबारा वापस बाइंग साइड जा सकता है, ठीक है। जब इस कैंडल के हाई का ये कैंडल का हाई ब्रेक होता है तब हम एंट्री प्लान करेंगे और हमारा जो एसएल रहेगा या तो इस जोन के नीचे इस कैंडल के नीचे का रहेगा या आप इस कैंडल के नीचे का रख सकते हो। अगर कैंडल ज़्यादा लंबी है तो आप हाफ का भी रख सकते हो, हाफ से थोड़ा नीचे, और आपका रिस्क रिवार्ड रेशियो सबसे मेन है, वो आपका 1:2 होना चाहिए, मेन यही है, ठीक है। रिस्क रिवार्ड रेशियो पे अच्छे से काम करोगे तो आप फाइनली मंथ एंड में प्रॉफिट में रहोगे। तो ये हमारा अगर 1:2 से ज़्यादा बनता है तो आप ये जो प्रीवियस यहाँ पे कोई स्विंग बना होगा अच्छा खासा जो सेलर का जोन होगा वहाँ तक आप टारगेट लेके जा सकते हो ट्रेल करके। ट्रेल करने का क्या होता है कि मार्केट में जैसे ये बाइंग आई, यहाँ से थोड़ा सा रिट्रेस हुआ फिर बाइंग आई, तो ये स्विंग लो बन जाता है, तो इस स्विंग लो का आप असल रख सकते हो। ट्रेल करने के लिए फिर दोबारा कोई अच्छी खासी यहाँ पे थोड़ा रिजेक्शन आता है तो दोबारा यहाँ से आप ट्रेल करके असल यहाँ पे ये स्विंग लो पे ला सकते हो। ऐसे ही है मार्केट जब कंटिन्यू ऐसे हाई होती है तो आप स्विंग हाई का एसएल ट्रेल कर सकते हो। यहाँ पे आपका जैसे एसएल है तो मार्केट में ये जो रिजेक्शन आता है दोबारा मार्केट नीचे आती है, दोबारा आप ट्रेल करके एसएल यहाँ पे ला सकते हो, ठीक है। ये है एसएल ट्रेल करने की मेथड। इसमें ये आपका बुलिश रामी, अगर कोई भी आपको डाउट रहता है फिर भी तो आप कॉमेंट बॉक्स में कॉमेंट कर दीजिए, आपको उसका सोल्यूशन मिल जाएगा। अभी आप एक बार इसकी PDF और देख लेते हैं, ठीक है, उसमें आपको एक बार अभी ये ड्रैगन फ्लाई डोजी की देख लेते हैं। इसमें ये एक बुलिश रिवर्सल कैंडल है, ठीक है, सिंगल कैंडल होता है बुलिश आराम जो ये ड्रैगन फ्लाई डोजी है, सिंगल कैंडल है और प्राइस जो ओपनिंग प्राइस और क्लोजिंग प्राइस लगभग समान होता है जो कि मैंने अभी आपको बताया था, ठीक है। लोअर शेडो भी ज़्यादा लंबी होती है एज कम्पेयर टू बॉडी, ठीक है। इस कैंडल में कोई कलर नहीं होता, कलर होगा भी तो हल्का फुल्का होगा, जैसे ये यहाँ से ओपनिंग थी यहाँ क्लोजिंग थी, तो अगर ओपनिंग से क्लोजिंग ऊपर होती है अपसाइड होती है तो वो ग्रीन कैंडल बनती है, अगर ओपनिंग से क्लोजिंग डाउन साइड होती है तो वो रेड कैंडल बनती है, ठीक है। अभी यह कैंडल मार्केट के डाउन ट्रेंड में स्पोर्ट लेवल के पास बनता है तो मार्केट रिवर्स हो सकता है, ठीक है। देखो ये स्पोर्ट लेवल पे बनता है तो मार्केट रिवर्स हो सकता है। अभी एक बार इसको देख लेते हैं, स्मॉल बॉडी कैंडल का ओपन प्राइस और क्लोज प्राइस लगभग समान होता है, ये लॉन्ग विक डाउन साइड, ठीक है, ये यहाँ पे आपको बताया गया है, ये डाउन ट्रेंड है, यहाँ पे किसी कोई स्पोर्ट जोन है वहाँ पे ये कैंडल का फॉर्मेशन होती है और हम इस कैंडल के लो का ऐसा लगाएंगे, अगर वीक ज़्यादा लंबी है तो हाफ का ऐसा लगाएंगे। यहाँ से इसका हाई ब्रेक होते ही हम एंट्री प्लान करेंगे और 1:2 हमारा रिस्क रिवार्ड रेशियो के हिसाब से ट्रेड रहेगा, ठीक है। ये देखो ड्रैगन फ्लाई डोजी कैंडल बनने के बाद जब अगला कैंडल डोजी कैंडल के हाई को क्रॉस करता है तब हमें एंट्री लेना है तथा ड्रैगन फ्लाई डोजी के कैंडल के लो पर एसएल रख सकते हैं, ठीक है। वही है, अगर ज़्यादा होगी तो ज़्यादा भी लंबी होगी तो आप हाफ का एसएल भी रख सकते हो। ड्रैगन फ्लाई डोजी के आधार पर ट्रेड करने का जो ध्यान रखने की बातें हैं वो एक बार आप देख लीजिए। डाउन ट्रेंड में ड्रैगन फ्लाई डोजी मार्केट के डाउन ट्रेंड में किसी स्पोर्ट लेवल के पास में बनना चाहिए, ठीक है। ड्रैगन फ्लाई डोजी कैंडल की बॉडी छोटी तथा जो वीक है वो लंबी होती है, ओपन क्लोज प्राइस लगभग समान होता है। ड्रैगन फ्लाई डोजी कैंडल बनने के बाद जब अगला कैंडल क्रॉस करता है तो उसकी हाइपर एंट्री, ये अभी ऊपर बताया गया है, ये आपको रिस्क रिवार्ड रेशियो और रिस्क मैनेजमेंट के बारे में बताया गया है, ठीक है। मैन इसमें रिस्क मैनेजमेंट और रिस्क रिवार्ड रेशियो ही है, ठीक है। ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी में काम करते समय हमको एक अच्छा रिस्क रिवार्ड रेशियो सेट करना चाहिए और डिसिप्लिन रूल रेगुलेशन फॉलो करने चाहिए। एक बार इसका जो एग्जाम्पल है वो देख लेते हैं, एग्जाम्पल फर्स्ट है, इसमें देख सकते हो आप मार्केट कंटिन्यू डाउन ट्रेंड में थी, उसके बाद यहाँ पे कोई प्रीवियस स्पोर्ट जोन होगा, ठीक है, और ये कैंडल ड्रैगन फ्लाई डोजी यहाँ पे फॉर्मेशन हुई,
और यहाँ से बायर का डोमिनेशन हुआ मार्केट में, इसके हाई को ब्रेक किया, ब्रेक करते ही हमें ये एंट्री का जो दिखा रखा है यहाँ से एंट्री, ये हमारा एसएल, टारगेट हमारा 1:2, और वापस आप ट्रेल करके भी लेके जा सकते हो मार्केट में, ठीक है। अभी नेक्स्ट है अपना बुलिश अरामी, ये सेकंड पैटर्न है, सेकंड एग्जांपल देख सकते हो, मार्केट कंटिन्यू डाउन ट्रेंड में थी क्योंकि ये अपने प्रीवियस हाई को कभी ब्रेक नहीं किया, लोअर लो लोअर हाई की फॉर्मेशन में थी, लोअर हाई को ब्रेक नहीं किया मार्केट ने, और यहाँ पे ये स्पोर्ट जोन है देखो, यहाँ से मार्केट मल्टीपल टाइम यहाँ से स्पोर्ट लिया, दोबारा यहाँ पे ड्रैगन फ्लाई डोजी की फॉर्मेशन हुई और मार्केट में हमें ये बिल्कुल छोटा सा एसएल और अच्छा खासा हमें टारगेट देखने को मिला। अभी नेक्स्ट है हमारा बुलिश हरामी पैटर्न, ठीक है, इसमें देखते हैं, यह बुलिश रिवर्सल कैंडल स्टिक पैटर्न है जो कि दो कैंडल से मिलकर बनता है, ठीक है। कैंडल एक लंबी बियरिश कैंडल होती है पहली कैंडल, दूसरी कैंडल बुलिश कैंडल होती है जो पहली कैंडल से छोटी होती है, जो अपने पहले कैंडल के बीच में बनती है। जब यह पैटर्न मार्केट के डाउन ट्रेंड में सपोर्ट लेवल के पास बनता है तब मार्केट में तेजी आने की संभावना रहती है, ठीक है। ये इसकी डेफिनेशन थी, अभी इसको यहाँ पे समझाया गया है। ये फर्स्ट कैंडल है, फर्स्ट कैंडल का हाई और ये लो, ये बुलिश कैंडल है जो इसके अंदर ही बनी हुई है, बट यहाँ से थोड़ा गैप अप है, ये गैप अप बनने के बाद यहाँ पे अच्छी खासी ये बुलिश कैंडल बनी, यहाँ पे देख सकते हो ये डाउन ट्रेंड है, डाउन ट्रेंड में ये कैंडल बनने के बाद नेक्स्ट ये बुलिश हरामी पैटर्न यहाँ पे क्रिएट हुआ। यहाँ से हमें इसके हाई को, फर्स्ट कैंडल के हाई को ब्रेक करने के बाद एंट्री प्लान करेंगे और एसएल यहाँ का रहेगा। ज़्यादा लंबी कैंडल तो वही हाफ का एसएल रख सकते हो, ये हाफ का एसएल ज़्यादा लंबी कैंडल है, ये हर कैंडल में आपका सेम पैटर्न रहेगा हाफ का एसएल अगर ज़्यादा लंबी है तो। उसके बाद हमें एक अच्छा खासा रिस्क रिवार्ड रेशो टारगेट देखने को मिल सकता है। थोड़ा और देख लेते हैं इसके बारे में, बुलिश हरामी पैटर्न बनने के बाद जब पहला कैंडल पैटर्न की हाई को क्रॉस करता है तब हमें एंट्री लेना है तथा बुलिश हरामी पैटर्न के लो प्राइस पर स्टॉप लॉस लगाना है, ठीक है। ये यहाँ पे जो आपका बताया गया है ये सेम है जो पहले जो बताया है उसी प्रकार से है। बुलिश हरामी पैटर्न मार्केट के डाउन ट्रेंड में सपोर्ट लेवल पे बनता है, ये यहाँ से मैं आपको फॉर एग्जांपल दिखाया गया है, ये एक सपोर्ट जोन था और मार्केट डाउन ट्रेंड में भी था। ये जो कैंडल अभी ऊपर बताई गई उसके बारे में आप इसका स्क्रीन शॉट भी ले सकते हैं, ठीक है। इस पैटर्न में पहला बियरिश दूसरा बुलिश कैंडल होता है। बुलिश हरामी पैटर्न बनने के बाद जब इसके में वो एंट्री के बारे में बताया गया है, ये रिस्क मैनेजमेंट और रिस्क रिवार्ड रेशो के बारे में बताया गया है। अभी एक बार एग्जांपल देख लो, ये मार्केट में कंटिन्यू डाउन ट्रेंड था, डाउन ट्रेंड में किसी स्पोर्ट लेवल के पास ये बुलिश हरामी पैटर्न क्रिएट हुआ, तभी इसके फर्स्ट कैंडल के हाई को ब्रेक किया, मार्केट में एंट्री बनती है और एंट्री बनने के बाद एसएल हमारा इसके लो का रहता है तो हमें अच्छा खासा टारगेट देखने को मिल सकता है। सेकंड एग्जांपल यहाँ पे आप देख सकते हो, सेलिंग के बाद यहाँ पे बुलिश कैंडल बना, प्रीवियस को स्पोर्ट लेवल होगा, एंट्री इसके हाई को ब्रेक करते ही एंट्री बनती है और स्टॉप लॉस नीचे लगाएंगे और हमें एक अच्छा खासा टारगेट देखने को मिलेगा। तो वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना और शेयर करना।